इस वीडियो के अंदर हम लोग अभी देखने जा रहे हैं एलबी का जो कोई भी अभी का वर्जन है 1.5.2 या फिर 1.5.1, तो आपका अभी का जो लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें अगर समझो आपका एलबी काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है और आपका एलबी को वापस कैसे चालू करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा यहाँ पे ये ईएक्सई फाइल है 1.5.2, अभी लेटेस्ट वर्जन है। अभी मैं इसको रन करता हूँ और देखिए यहाँ पे कौन सी एक एरर आएगी, तो पहले वो देख लेते हैं। तो एरर प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको एक ऐसी एरर आती है तो इसके अंदर दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद है या फिर आपका जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है कोई चेंज हुआ है, या फिर आपके कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर के अंदर किसी ना किसी हार्डवेयर का ड्राइवर आपने अपडेट किया है। तो ये दो ही रीज़न से ये एरर आती है। तो अगर समझो कि ऐसी कोई अगर आपको एरर आती है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका इंटरनेट वर्किंग है। देखिए मेरा यहाँ पे इंटरनेट बंद है, तो इंटरनेट बंद होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हर बार जब भी आप एलबी स्टार्ट करते हो तो वो हर बार आपका लाइसेंस कॉपी है या नहीं है वो एलबी के सर्वर में वो वेरीफाई करता है। तो आपको इंटरनेट हमेशा ऑन रखना है। तो मैं यहाँ से एक बार पहले इंटरनेट ऑन कर देता हूँ। अभी मेरा ये इंटरनेट ऑन हो चुका है। अभी जब इंटरनेट ऑन हो गया उसके बाद में अगर हम इसको रन करते हैं तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे मेरा इंटरनेट ऑन होने के बाद में एलबी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आपका इंटरनेट इसके लिए जरूरी है। अभी बात रही दूसरी, अगर आपने कोई हार्डवेयर चेंज किया है तो आपका ये विंडोज जो है वो आपके चला जाएगा, या फिर ऐसी कोई भी एरर आती है, या फिर आपका यहाँ से एक बार एलबी स्टार्ट होगा तुरंत क्लोज हो जाता है। अभी फिलहाल तो मेरा इसके अंदर मेरी फाइल जो है वो ओके कंडीशन में है, इसकी वजह से ये चल रहा है। लेकिन अगर आपका एलबी नहीं वर्क कर रहा है तो उसके अंदर अभी दूसरा रीजन हो सकता है, या तो आपने समझो कोई हार्ड डिस्क को बदला है, या फिर आपने कोई भी दूसरा हार्डवेयर चेंज किया है, रैम चेंज की है, या फिर और कोई भी हार्डवेयर चेंज किया है, तो उसकी वजह से भी एलबी काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि अगर आपने ओएस एक बार फिर से इंस्टॉल की है और जब आपने की जनरेट की थी तब समझो एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ये ड्राइवर नहीं था, लेकिन अब की बार मेरा ये ड्राइवर आ गया है, तो कोई भी हार्डवेयर ऐड होने के कारण, तो ऐसी सूरत में कि कोई हार्डवेयर ऐड होता है या फिर कोई हार्डवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो वो तो हर बार करना मुश्किल रहेगा कि लास्ट टाइम जैसा था वैसा का वैसा ही मैं ड्राइवर यहाँ पे अपडेट करूँ। तो अगर आपका यहाँ पे एलबी काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा टिकट। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे एलबी फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक hpwlab_key_file.ini फाइल है। ये जो फाइल है वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर की जो भी डिवाइस हार्डवेयर जो है उसकी एक आइडेंटिटी फाइल है, और यहाँ पे एक लाइसेंस फाइल जो है जो आपको सर्वर की ओर से आती है जब आप एलबी रन करते हो। तो इन दोनों फाइलों को आपको ध्यान में देना है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ hpwlab_key_file.ini फाइल आपकी होनी चाहिए, ये बात खास ध्यान में रखना। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आपने जो बताया है कि ini फाइल होगी लेकिन मेरा एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से आपका फोल्डर सेक्शन के अंदर लेआउट के अंदर ये सब चीज़ें ऐसी होगी, तो इसके कारण से आपको यहाँ पे एक्सटेंशन शायद ना बताए। तो देखो यहाँ से एक्सटेंशन निकल गया, लेकिन एक्सटेंशन इसके पीछे है। तो मैं फोल्डर लेआउट से जाके मैं वापस आपको वो करके बताता हूँ, हाइड एम्प्टी ड्राइव एंड हाइड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे अभी देखिए आपको ini दिख जाएगा, तो ini एक्सटेंशन तो रहेगा लेकिन वो ini आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका एक्सटेंशन है ही। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको एक्टिव कैसे करें। आपको जब सबसे पहली बार आपने एलबी लिया था तब मैंने आपको यहाँ से एक एलबी का एक की जनरेटर भेजा था, फर्स्ट टाइम आपने ये की जनरेट की थी। अभी आपका सिस्टम फॉर्मेट हो चुका है, आपकी ये की जो थी वो पुराने सिस्टम पुराने ओएस के हिसाब से है, तो ये की अभी नहीं चलेगी। लेकिन इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इस की को आप ओपन कर लीजिए। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है नई की जनरेट करते समय। तो मैं सबसे पहले इस की को एक रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारी जो नई की बनेगी वो सेम नेम से बनेगी,
तो मैं यहां से कर देता हूं ओल्ड, और अभी इसके बाद में आपको ये करना है, इसको मैं ओपन कर इसको ओपन करके एक साइड पे अभी आप रख लीजिए। अभी की जनरेटर को ऑन करिए, इसको चालू करिए। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन पूछेगा सिंपल, यहाँ से जो भी यूजर है तो आपका जो नेम है तो आपका नेम यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे मेरा हर्षद पटेल नेम आ गया। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है तो ये ईमेल आईडी भी आप यहाँ से ले लीजिए कॉपी, और इसको भी लगा दीजिए पेस्ट। ये है मेरा कंपनी नेम, तो कंपनी नेम भी आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और कंट्री कंट्री भी ले लिया। अभी आपका सवाल आएगा कि यहाँ पे hpwlab आईडी में क्या करना है। hpwlab आईडी के अंदर आपको ये करना है कि आपका ब्राउजर जो है उसको आप पहले ओपन करिए। ब्राउजर को ओपन करके आप अपनी easyfixlab.com/laptop वाली वेबसाइट पे चले जाइए, और यहाँ पे जाके आपको लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी लॉगिन कर देता हूँ, मेरा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे मैंने लॉगिन किया। तो लॉगिन करने के बाद में आपको ये जो दिखा यही मेरा है hpwlab आईडी, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे आईडी लगा देते हैं। तो hpwlab आईडी का मतलब होता है कि जो फॉरम के अंदर आपका जो आईडी है वो देना है, और उसके बाद में क्लिक करिए जनरेट। जैसे ही जनरेट करेंगे बैकग्राउंड के अंदर एक फाइल बन गई। तो ये फाइल जो है अभी के आपके कंप्यूटर की लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। अभी आपको करना क्या है, इस फाइल को यहां से कॉपी करिए, कॉपी करके इस एलबी के फोल्डर के अंदर इसको रख दीजिए। तो यहां पे आपको इसको रख देना है, एग्जिस्टिंग फाइल जो है उसको ओवरराइट कर लीजिए क्योंकि वो फाइल नहीं चल रही है लाइसेंस, तो इसको ओवरराइट कर दीजिए। तो ये मेरी अभी नई कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल आ गई जो मैंने अभी अभी जनरेट की है इस की जनरेटर से। तो ये मेरी नई फाइल है। अभी हमें इसको जिप कर देना है क्योंकि इसको अभी हमें अपलोड करना है फॉरम के अंदर, और फॉरम के अंदर रार या फिर जिप फाइल ही अपलोड होगी। तो इसको जिप करके रख दीजिए, और ये फाइल अभी हमें अपलोड करनी है। तो अपने फॉरम के अंदर चले जाइए, आपका यूजर नेम पासवर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद में ही आपको एक टिकट करके ऑप्शन आएगा। तो आप नीचे चले जाइए, यहाँ पे LBE सपोर्ट करके टैब है, उसके अंदर आना है और टेक्निकल सपोर्ट टिकट। अगर आपके स्क्रीन के अंदर ये टेक्निकल सपोर्ट टिकट नहीं दिख रहा है उसका मतलब कि आपने लॉगिन नहीं किया है। अगर आप लॉगिन करोगे तभी आपको ये टैब देखने को मिलेगा, और ये प्राइवेट टैब है, और ये जो टैब इसके अंदर जो कोई भी चीज़ आप लिखते हो वो आपके और जो एडमिन है उन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो मैंने आगे भी एक टिकट देखो यहाँ पे जनरेट की थी कि मेरा यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन मेरा डेस्कटॉप में था, LCD स्क्रीन है, ओनली HDMI सपोर्ट, तो मैंने HDMI कार्ड लगाया था, उसके बाद में मेरा LBE नहीं चला था। तो उस समय में मैंने नई की उसके अंदर अपलोड की थी, तो वहाँ से एडमिन ने डन करके मुझे यहाँ पे मैसेज भेज दिया है कि ओके हो गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे टेक्निकल सपोर्ट टिकट में, और अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम लिखेंगे कि माय LBE 1.5.2 इज नॉट वर्किंग, और यहाँ पे आप लिख सकते हो डियर सर आई हैव इंस्टॉल न्यू विंडोज। आपका जो भी रीजन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए LBE 1.5.2 kindly please check my new key and active my license। तो आपको यहाँ पे complete reason लिखना है। अगर आपने hard disk change की है तो hard disk का reason लिखिए, आपने कोई OS बदली है तो OS का reason लिखिए, लेकिन आपको यहाँ पे clearly लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे attach है तो attach करिए, और attach करके आपको चले जाना है अपने वही path के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने key generator से key generate की है। तो यहाँ से मेरा ये की जनरेटर, और हमने देखो रार फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी, तो यहाँ पे ओनली जीप रार फाइल ही सपोर्ट करती है।
इसीलिए आपको रार फाइल बना देनी पड़ेगी पहले से। अगर आपने रार नहीं बनाई है तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीप और रार का ही ऑप्शन है। तो इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन करिए, ये फाइल अपलोड हो गई। फाइल अपलोड हो जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे पोस्ट थ्रेड करना है। अभी मैं इसको नहीं करूँगा, उसका रीज़न ये है मेरा LBE तो वर्किंग में है, लेकिन अगर आपका LBE वर्किंग में नहीं है तो आपको यहाँ तक की प्रोसेस फॉलो करनी है। जब आप यहाँ पे पोस्ट थ्रेड करेंगे, एडमिन जब इस फॉरम को देखेंगे, आपको यहाँ पे अलर्ट मैसेज के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपका की नया जो है वो एक्टिव हो चुका है। उसका मतलब ये हुआ कि आपका नया की जो है उन्होंने सर्वर के अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद में आपको फॉरम में सिर्फ हमें फॉलो ये करना है, या फिर फॉरम में हमें देखने के लिए यही आना है कि क्या एडमिन ने जवाब दिया है कि यस आपका की डन हो चुका है। तो उसके बाद में सिंपली आपका सेटअप ऑलरेडी रेडी है। मैंने 1.5.1 के अंदर नया की कॉपी करके रखा ही है। सिंपल आपको यहाँ पे आके सीधा ही LBE 1.5.1 या फिर 1.5.2 जो भी है वो रन करना है। अगर आपका की सर्वर में अपडेट हो चुका है तो आपका LBE काम करेगा। तो इस तरह से हमारा एक LBE जब नहीं चलता है तो ये प्रोसेस आपको हर एक को फॉलो करनी पड़ेगी, और इसका रास्ता एक ही है, आपका टिकट ही आपके LBE को वापस एक्टिव करवा सकेगा। अगर आप ये फाइल समझो कि डायरेक्ट भेजते हो टेलीग्राम से या फिर वगैरह से, तो ये एक्टिव नहीं होगा। ये आपके टिकट के अंदर ही अपलोड होगा और टिकट के अंदर से ही वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा।